ये प्रज्वलित करते हुए पटेल जो अखंड राष्ट्र के निर्माता हैं, उनकी विशालकाय प्रतिमा की स्थापना की गई है और इस अवसर पर हम सभी लोग यहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान इस देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। उन्होंने 565 देशी रियासतों का विलय करके अखंड भारत को बनाने का काम किया और आज जो भारत का एकीकृत स्वरूप हम देख रहे हैं, जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं, वो अगर सही मायनों में किसी की देन है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। उनका पूरा जीवन त्याग और बलिदान और राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ उसका जीता जागता उदाहरण है। वे इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन बनते बनते रह गए। फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई मलाल नहीं रखा, बल्कि इस देश के लिए सदैव संघर्ष करते रहे। खेड़ा सत्याग्रह से लेकर बारडोली सत्याग्रह तक उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया और आज हम सभी का ये प्रयास है, हमारी सरकार का ये प्रयास है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत बने। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना भी गुजरात में नर्मदा की धरती पर करने का काम किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए उन्हें राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देने का काम करेगा। मैडम, 2019 चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा किस तरह से होगा और भाजपा का क्या मुद्दा होगा? भाजपा के बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकती, सांसद जी करेंगे। केंद्र सरकार का क्या मुद्दा होगा? केंद्र सरकार अगला चुनाव जो है गठबंधन में रहेंगे। लोकसभा चुनाव आ गया, राम मंदिर का मुद्दा फिर इस बार गरमाया है, ये मुद्दा कोर्ट में है। मुझे लगता है कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। दूसरा दिल्ली में किसानों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार का क्या मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव में? विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे। हमने विकास किया है 5 साल तक उसी एजेंडे के साथ।